मूषक जी, आप उनका पीछा कीजिए और ध्यान रखिए कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है। जी प्रभु। मैं खीर ग्रहण करके अति शीघ्र वहाँ पहुँचता हूँ। प्रणाम प्रभु। पिताश्री, आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि हम जा कहाँ रहे हैं, बाद मुझे क्या करना होगा। तो चलो तुम्हें एक कथा सुनाकर बताता हूँ, ध्यान से सुनना। इस मार्ग के अंत में तो अथाह गहराई है। एक महान सम्राट था जो अपने प्रताप से अपना साम्राज्य प्रतिदिन बढ़ाए जा रहा था। फिर एक दिन जब उसके सामने एक त्रिमुखी विपदा आई तो उसके बढ़ते साम्राज्य को जैसे कोई रोग ही लग गई। फिर उसका दुर्भाग्य उसके पीछे ही पड़ गया और वो सम्राट एक एक कर बहुत कुछ खोता ही चला गया। और ये क्रम थम ही नहीं रहा था। इन्हें तो इतना समय लग रहा है, कहीं मुझे देर ना हो जाए। माता, मैं आपकी सहायता कर देता हूँ। प्रभु, इतनी कठिनाई से मुझे ये कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आप मुझे स्वयं ये कार्य करने की अनुमति दीजिए। मुझे इस फूल के मुरझाने से पूर्व खीर को समाप्त करके रश्मि प्रभा के पास पहुंचना होगा। अब तो मेरी चिंता बढ़ने लगी है, अब मैं करूं तो क्या करूं? सम्राट ने अपनी विपदा दूर करने का क्या उपाय किया पिताश्री? वो अपने पूर्वजों, अपने वंश के महानतम महापुरुषों से भेंट करने के लिए गया। फिर पिताश्री? फिर उसके पूर्वजों ने उसे एक ऐसा हल बताया जो उसके हृदय पर बहुत बड़े आघात के समान था। क्या क्या था वो सुझाव? उसके पूर्वजों ने कहा इस घोर विपदा से उसके राज्य की रक्षा एकमात्र उसकी पुत्री ही कर सकती है। उसकी पुत्री? किंतु कैसे पिताश्री? अपने प्राण देकर। फिर क्या हुआ पिताश्री? वो सम्राट अपनी पुत्री से अपार स्नेह करता था तो वो उसे कैसे कोई कष्ट पहुंचा सकता था, किंतु विपदा तो बढ़ती ही जा रही थी। उसके निकट सब नष्ट होता जा रहा था और एक दिन ऐसा आया जब स्वयं उसकी मृत्यु से डसने उसके सामने खड़ी थी। फिर? भंडासुर अब जहाँ पहुँचना चाहता था पहुँच चुका है, मुझे शीघ्रता करनी होगी। बस कुछ ही क्षणों में ये खीर खाकर मैं चला जाऊंगा। रश्मि प्रभा अभी से उबलते हुए लावा रूपी संकट के बहुत निकट पहुँच चुकी है। प्रभु, आपको शीघ्र आना होगा। बताइए ना पिताश्री, फिर क्या हुआ? वो विपदा जो सम्राट के प्राण हरने आई थी वो अचानक स्वयं लौट गई। किंतु ये हुआ कैसे?
सम्राट भी ये देखकर चकित था। इसका कारण तो उसे भी नहीं पता था, किंतु जब वो ये सुखद समाचार अपनी बेटी तक पहुंचाने के लिए गया तो वहां उसकी पुत्री नहीं अभी तो उसकी चरण पादुका एक अग्नि कुंड के निकट मिली। अर्थात सम्राट की पुत्री ने अपने सर्वोच्च ताक से उसे उसके राज्य को विनाश के मुख से बचा लिया। ऐसा निस्वार्थ स्नेह था उस बालिका को अपने पिता से। पिताश्री, मैं भी आपसे उतना स्नेह करती हूँ। आपकी विपता हरने के लिए ही तो मैं अपने प्राण में निचार कर सकती हूँ। प्रभु आप अति शीघ्र यहाँ आ जाइए, मुझे किसी अनिष्ट के होने का आभास हो रहा है प्रभु। पिताश्री, आप ये क्या कह रहे हैं? इस युद्ध को रोकने का बस यही एकमात्र उपाय है। मेरे प्राण? तुम्हारे प्राणों से ही मुझे जीवन और मेरे साम्राज्य को प्राणदान मिल सकता है। मुझे क्षमा करना पुत्री, मैं विवश हूं। और मेरे लिए तुम्हारा इंतजार करना तो आप कहाँ रह गए प्रभु? शीघ्र आकर इसकी रक्षा कीजिए। अब अधिक समय नहीं है गणेश जी, अब आपको यहाँ आना ही होगा। अपने प्राण निछावर कर दो पुत्री। नहीं रश्मि प्रभा, ऐसा कदापि मत करना। गणेश जी के यहाँ आने तक मैं इसका ध्यान बांट कर इस अनर्थ को होने से रोक दूंगा। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मुझे अभी जाना होगा। तो आप वचन दीजिए मुझे, आप इनके हाथ की बनी खीर खाए बिना कहीं नहीं जाएंगे। प्रभु, खीर ग्रहण कीजिए। रश्मि प्रभा, मेरा स्वर सुनो। रश्मि प्रभा, भंडासुर का कहा मत मानो। रश्मि प्रभा, भंडासुर का मायावी चक्र मेरे स्वर को वहां तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है। तुम चाहती हो ना पुत्री कि ये युद्ध शीघ्र समाप्त हो, तो विलंब मत करो, अन्यथा युद्ध भूमि में अनेकों योद्धा अपने प्राण खोएंगे। मेरे प्राणों की भूखी विपदा मेरे सामने मुंह खोले हुए खड़ी हो जाएगी।
जाओगे पिताश्री तो मैं अवश्य करूंगी। ये नन्ही बालिका स्वेच्छा से मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करने के लिए तैयार है। बॉस नहीं करती हूँ, आपको खोना नहीं चाहती। बार बार इसके शब्द मेरे मन में गूंज कर मुझे व्याकुल कर रहे हैं। ये मेरे लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार है और मैं ये क्या करने जा रहा हूँ। लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, काम, क्रोध है हम, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बल, ये मूर्खतापूर्ण स्नेह ही है जो तुम्हें दुर्बल बना रहा है। हम जब तक हैं, तुम अपने लक्ष्य से विमुख नहीं हो सकते, तुम कदापि पीछे नहीं हट सकते। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, धकेलो उसे, संकोच मत करो। तुम्हारा रोल सब कदापि पीछे नहीं बढ़े क्या, धकेलो उसे आज, आगे बढ़ो आज तक के बाद तुम्हारा रोल सब संकोच पर पड़े हैं। और धकेलो उसे सब नहीं बढ़े क्या, मैं लेके जाऊं, और धकेलो उसे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, धकेलो उसे। जब कोई अपने विकारों को स्वयं पर हावी होने देता है, तब निस्वार्थ स्नेह जैसी सकारात्मक भावना भी पराजित हो जाती है। विश्वास नहीं होता, कोई पिता इतना भयंकर महापाप कैसे कर सकता है। मेरे रहते कोई संकट तुम्हारे निकट नहीं आ सकता। पिता का निस्वार्थ स्नेह, उसका संरक्षण, प्रत्येक पुत्री का विश्वास होता है, किंतु अपने स्वार्थ के लिए अपनी पुत्री के उस विश्वास का ऐसा भयंकर हनन कर भंडासुर ने ऐसा अधर्म युक्त कर्म किया है जिससे बालिका रश्मि प्रभा का नहीं, उसने स्वयं अपने महाविनाश का मार्ग खोल लिया है। सर्वनाश होगा भंडासुर का, उसके सिंहासन का, उसके अमरपुर का, उसके समस्त साम्राज्य का। जिसको जीवन की कोमलता पर विश्वास नहीं, वो मेरी दया का पात्र भी नहीं।
अशुभ संकेत उत्पन्न होकर हमें इतना व्याकुल क्यों कर रहे हैं? क्या असुर राज की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर देवी सेना का आक्रमण ही इसका कारण है? नहीं, देवी सेना नहीं, इसका कारण गौरी नंदन गणेश। पुत्री के विश्वास का अंत कर मैंने उसके प्रति अपने स्नेह को कलंकित किया है। हाथ इस प्रकार रख रंजित होकर मेरे हृदय को अपार दुख सहने पर अपनी पुत्री के प्राण लेकर इतना सब कुछ खोकर क्या लाभ हुआ मुझे, क्या पाया मैंने? जिससे तुम उस देश को परास्त कर सकते। भंडासुर, अभी तक तुमने दिव्य शक्ति का मार्मिक रूप ही देखा था, अब उसी शक्ति के विध्वंसक रूप से परिचय करने का समय आ गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जैसे दुर्गुण प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित होते हैं। अगर इनका नाश ना किया गया तो ये हमारा सर्वनाश कर देंगे।